हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग को पता नहीं तो आप लोग को बता देता हूँ गाइस कि जो पाकिस्तान की जो टीम है गाइस, ठीक है, प्लेइंग 11, वो गई है आर्मी के पास, पाकिस्तान के आर्मी के पास ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि उनके फिटनेस प्रॉपर नहीं है। तो गाइस, लेट्स सी पठान भाई क्या बोलते हैं, लेट्स गो गाइस। ट्रेनिंग जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, वहां की जो है बुजदिल सरेंडर सेना कर रही है। अब जो दोस्तों ट्रेनिंग ऐसी है कि सर नीचे, टांगे ऊपर, कट्टे बीच में लटक रहे। अब ये वाली ट्रेनिंग दोस्तों, अब इसके कुछ असरात तो बाहर आएंगे ही। असर ये है तो भाई, थोबा थोबा अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मार दी धमकी न्यूजीलैंड को। भाई आपको पता है कि न्यूजीलैंड का जो है वो एक सीरीज है पाकिस्तान के साथ, और इस सीरीज को लेकर आईपीएल से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहीं पर मैंने मिर्ची लगाई थी पड़ोसियों को कि भाई ये सीरीज कैंसिल करवा दो। न्यूजीलैंड के जो ए टीम के जो जो लेजेंड, जो सीनियर प्लेयर हैं, वो नहीं आएंगे सीरीज खेलने, क्योंकि वो लोग आईपीएल में है। अब सुनिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलती है कि शेम ऑन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम, और स्पेशली केन विलियमसन के ऊपर, जो वहां पे उसे खिलाया भी नहीं जा रहा, वो वहां पे बैठ के पानी पिला रहा है लोगों को, लेकिन पाकिस्तान जो सीरीज, जो पाकिस्तान के साथ जो सीरीज है वो खेलने नहीं आ रहा। देखें दोस्तों, आपको पता है कि न्यूजीलैंड की जो है आधी से ज्यादा टीम जो है वो इस टाइम आईपीएल में, हिंदुस्तान में है, आईपीएल में खेल रही है। ट्रेंट बोल्ट जो मेन बॉलर है उनका दोस्तों, और रचिन रविंद्रा जो ओपनर, टॉप जो है बैट्समैन है उनका, और साथ में केन विलियमसन, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ टीमों में आईपीएल के खेल रहे हैं, इस टाइम 6 से 7 प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सीरीज होने जा रही है T20 की, न्यूजीलैंड की, उसमें जाएगी न्यूजीलैंड की बी टीम। अब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड बोलती है अगर न्यूजीलैंड की बी टीम आती है पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने, तो हम इनको इतना गंदा फैलेंगे, इतनी गंदी कुटाई करेंगे कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे, कभी आईपीएल के लिए ये कभी हमारी सीरीज नहीं छोड़ेंगे। देखिए भाई, आपको पता है कि ट्रेनिंग जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, वहां की जो है बुजदिल सरेंडर सेना कर रही है। अब जो दोस्तों ट्रेनिंग ऐसी है कि सर नीचे, टांगे ऊपर, कट्टे बीच में लटक रहे। अब ये वाली ट्रेनिंग दोस्तों, अब इसके कुछ असरात तो बाहर आएंगे ही। असर ये है कि अब पीसीबी भी बदमाशी करने लगा है दोस्तों। सामने सामने जो है वो न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को धमकियां लगा रहा है कि भाई उनको आईपीएल से बुला के हमारे साथ सीरीज खेलने के लिए भेजो, तुम्हारी औकात है सालो। बहन के टको, अबे बी टीम आ रही है, इसमें भी शुक्र मनाओ। नहीं तो भाई हाफिज सईद और टीटीपी के होते हुए तो मैं ना हूं भाई वहां पे खेलने। फिर भी न्यूजीलैंड की टीम बी है या सी है, आ तो रही है ना बहन। और अच्छा बात तो यह है कि भाई ट्रेनिंग इनकी बड़ी मस्त जा रही है, कभी ऊपर से कूद रहे हैं, कभी टांगे उठा रहे हैं। भाई टांगे उठाने में ये बड़े नंबर वन है, जल्दी टांगे उठा लेते हैं ये अपनी। अच्छा अब अगर ये बी टीम से हार गए ना ये पाकिस्तानी टीम, तो भाई उस दिन तो कयामत नहीं, तूफान आ जाएगा, क्योंकि भाई आर्मी की ये ट्रेनिंग जो इनको मिल रही है ना T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये ट्रेनिंग वर्ल्ड कप के लिए है, ये तैयारियां वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, और ये सारी टीमों के लिए एक खतरा भी है कि भाई इतनी ट्रेनिंग, इतनी ऊपर से बाबर आजम कभी टावर से कूद रहे, कभी रस्सी पे लटक के ऊपर जा रहा है, कभी पुस्की छोड़ रहा है, कभी फाद रहा है, भाई इतनी खतरनाक ट्रेनिंग जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिल रही है, मेरे को नहीं लगता कि लास्ट में इनको खाली हाथ भेजा जाएगा। ये जितनी भी टीम जो है पाकिस्तान की, जो आर्मी से जो ट्रेनिंग ले रही है, लास्ट में जाते जाते इनको एक एक बम और एक एक एके भी इनको हाथ में देंगे, ले भाई कभी भी काम आ सकता है वर्ल्ड कप में। ध्यान से, बड़े हरामी है भाई, कभी भी खुदकश हमला कर देंगे भाई। तो भाई दोस्तों, अब बी टीम आ रही है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान रो रहा है। पीएसएल में जो है टट्टी बाहर आ गए, 15 करोड़ का लॉस हो गया भाई, कोई व्यूअरशिप नहीं आई, यहां तक कि फाइनल मैच देखने के लिए कोई थूकने तक नहीं आया इनके ऊपर। अब दोस्तों ये लोग जो है वो सारा गुस्सा आईपीएल से निकाल रहे और बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड की अगर बी टीम आई तो गंदी फैली जाएगी और ये ए टीम को भेजने, अगर बी टीम ने इनको फैला पाकिस्तान के अंदर,
तो दोस्तों सोचो कि उस दिन तो मैं हंस हंस के मर ही जाऊंगा भाई, मेरा आखिरी दिन होगा पाकिस्तानी हो। अगर मुझे मारना है तो भाई हार जाओ बी टीम से न्यूजीलैंड की। बहरहाल दोस्तों मैच भी चल रहा है, आज देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, तगड़ी टीम। तो गाइस गाइस आप लोगों को गाइस क्या लगता है गाइस, ठीक है कमेंट करके गाइस बताओ कि गाइस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में कौन जीतेगा, पाकिस्तान की पूरी 11 टीम या फिर न्यूजीलैंड की बी टीम। गाइस आप कमेंट करके बताओ कौन सा प्लेयर अच्छा खेलने वाला गाइस, ठीक है कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।